दोस्तों, जैसे बॉलीवुड में आउटसाइडर्स ने आकर धमाल मचा रखा है, वैसे ही साउथ इंडस्ट्री में भी कई ऐसे सेलेब्स हैं जो आउटसाइडर्स हैं, जिनका टॉलीवुड में आने से पहले कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन अब वो टॉलीवुड के स्टार बन चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है वो सेलेब्स। लेकिन उससे पहले, अगर आप ये हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले नंबर पर आती हैं समांथा आइकनेनी, जिनको आपने थेरी, जानू, 24, महानती जैसे फिल्मों में देखा होगा। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और आज वो टॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। साथ ही आपको बता दें, इन्होंने अपना डेब्यू 2010 की फिल्म ये माया छे सावा से किया था। दूसरे नंबर पर आती हैं काजल अग्रवाल, जो टॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड में भी अपना जलवा दिखाती नजर आ रही हैं। टॉलीवुड इंडस्ट्री की वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेसेस में से एक हैं काजल। साथ ही आपने इनको स्पेशल 26, सिंगम, मिस्टर परफेक्ट जैसे फिल्मों में देखा होगा। तो वहीं उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत 2004 में क्यों हो गया ना फिल्म में सपोर्टिंग रोल प्ले करके किया था। तीसरे नंबर पर आते हैं विजय देवरकोंडा, जिनको आपने अर्जुन रेड्डी, महानती, टैक्सी वाला जैसे फिल्मों में देखा ही होगा। विजय साउथ इंडस्ट्री के वन ऑफ द यंगेस्ट एक्टर्स में से एक है और अब बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म लीगर से अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2011 में न्यू विला फिल्म से की थी। चौथे नंबर पर आती हैं एक्सप्रेशन क्वीन रश्मिका मंदाना, जो इंडिया की नेशनल क्रश बन चुकी हैं, जिनको आपने अनजानी पुत्र, चमक, भीष्मा जैसे फिल्मों में देखा होगा। और अब बहुत जल्द रश्मिका बॉलीवुड में मिशन मजनू फिल्म से डेब्यू करने जा रही हैं। इस फिल्म में आपको उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें, रश्मिका ने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपना टॉलीवुड डेब्यू किया था, साल 2016 में किरिक पार्टी फिल्म से। पांचवें नंबर पर आती हैं साई पल्लवी, जिनको आपने मारी दिया जैसे फिल्मों में देखा होगा। इन्होंने अपना फिल्मी डेब्यू 2017 में विदा फिल्म से किया था। छठवें नंबर पर आती हैं नित्या मेनन, जिनको आपने 18, 7 o'clock, मिशन मंगल जैसे फिल्मों में देखा होगा। इन्होंने कई बॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है। साथ ही आपको बता दें, इन्होंने अपनी करियर की स्टार्टिंग सपोर्टिंग रोल से की थी, 7 o'clock मूवी से। सातवें नंबर पर आते हैं नानी, जिनको आपने जर्सी, वी, मिडिल क्लास जैसे फिल्मों में देखा होगा। साथ ही आपको बता दें, नानी अपनी एक्टिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। तो ये थे आउटसाइडर्स ऑफ टॉलीवुड, जिन्होंने इंडस्ट्री में स्टार किड्स को पीछे छोड़ दिया है। वेल, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।